हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर एम्प्लॉय। फिर से आ चुका हूँ न्यू कैंपस प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन लेकर। यह कैंपस प्लेसमेंट दो कंपनियों के द्वारा किया जाता है, इसे आप रोजगार मेला भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, सैलरी भी आपकी अच्छी रहने वाली है। ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखना है। कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सैलरी कितना मिलने वाला है, जॉब लोकेशन कहाँ रहेगा, तो सब कुछ बताने वाला हूँ। जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो वो वीडियो को पूरा देखेंगे। सबसे पहले तो कंपनी का नाम आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा, कंपनी नेम। तो जो पहली कंपनी है वो सोमानी सेरेमिक्स लिमिटेड है, तो इसकी तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। सबसे पहले इसका क्वालिफिकेशन देखेंगे, इसके बाद में दूसरी कंपनी बताएंगे उसका क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले सोमानी सेरेमिक्स लिमिटेड का क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है आईटीआई पास। तो आईटीआई आपने पास कर रखा हो, आईटीआई में कौन सी ट्रेड आपके पास होनी चाहिए, तो फिटर और इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक डीजल मैकेनिक। और बताया गया है रिक्वायरमेंट 22, इसका अर्थ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि आप जो फिटर हैं उनके लिए 22 पोस्टें रखी गई हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं उनके लिए 5 पोस्टें रखी गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 5 पोस्टें रखी गई हैं, डीजल मैकेनिक वालों के लिए 5 पोस्टें रखी गई हैं। टोटल यहाँ पर बताया गया है कि 22 वैकेंसी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी वैकेंसी इसमें भरी जा सकती हैं। तो बताया गया है रिक्वायरमेंट 22 लोगों का इसमें बताया गया है 2, इसका मतलब है कि इसमें और भी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि एक्सपीरियंस जिनके पास है वो भी इसमें जा सकते हैं, और फ्रेशर जो हैं वो भी इसमें जा सकते हैं। दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। जो प्रोफाइल की बात करें तो आपका जो प्लेसमेंट होगा उसमें आपको 8 घंटे का ड्यूटी करना रहेगा। 8 घंटे ड्यूटी का आपको सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। इसके बाद में जिन भी फैसिलिटी के लिए आप एलिजिबल होंगे वो फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो हर कंपनी देती है, यह कंपनी भी देगी 15,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो है इंडस इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। इंडस इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। तो यहाँ पर इसके भी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें भी आईटीआई पास मांगा गया है। आईटीआई आपने पास कर रखा हो, आईटीआई में ट्रेडें आपके पास इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स सीओपीए स्टेनो इंग्लिश 2 पोस्ट, इसके बाद आल मैकेनिकल पोस्ट। किसी भी मैकेनिकल पोस्ट से आपने आईटीआई कर रखा हो, जैसे कि फिटर वगैरह हो गया, डीजल मैकेनिकल हो गया, ऐसी पोस्टें सभी इसमें एलिजिबल होंगी। तो जो इलेक्ट्रीशियन हैं उनके लिए 5 पोस्टें रखी गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 10 पोस्टें रखी गई हैं। इसके बाद में जो सीओपीए और स्टेनो इंग्लिश 2 पोस्ट हैं उनके लिए भी कुछ पोस्टें हैं, और जो मैकेनिकल ट्रेड वाले हैं उनके लिए भी कुछ पोस्टें इसमें रखी गई हैं। टोटल इसमें वैकेंसी 50 रखी गई हैं। इसमें भी जितने भी कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है वो भी जा सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें जा सकते हैं। तो दोनों प्रकार के कैंडिडेटों को यह भी कंपनी मौका दे रही है रोज़गार का। तो इसके बाद में जो प्रोफाइल की बात करें तो आपका जो इसमें जॉब रहने वाला है वो 12 घंटे का रहने वाला है। जो इंडस इंडियन प्राइवेट लिमिटेड है इसमें आपको 12 घंटे का ड्यूटी देना होगा। सुबह आपको 10 बजे जाना होगा और शाम में 10 बजे आपको छुट्टी मिलेगा। खाने पीने का और जो नाश्ता रहता है वो सब आपको कंपनी में ही मिलेगा, और एक टाइम का खाना खुद का अपना खाना रहेगा। सैलरी और बेनिफिट की बात करें तो इसमें भी आपको 15,000 रुपये पर मंथ मिल जाएगी सैलरी। और इसमें जो डॉक्यूमेंट आपको कैंपस में लेके जाने हैं, आपको 10th का मार्कशीट ले जाना है, रिज्यूम ले जाना है, और जिसमें आपका पूरा बायोडाटा लिखा रहेगा, आईटीआई का मार्कशीट ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, पैन कार्ड ले जाना है, और बैंक डिटेल या बैंक की किताब की फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। यह कंपनियां आपका अकाउंट नहीं खुलवाने वाली हैं। और इसके बाद में आपको 5
पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो ले जानी है, जिन्हें कुछ लोग रंगीन फ़ोटो कहते हैं, तो वह रंगीन फ़ोटो आपको लेकर जानी है। इतने डॉक्यूमेंट आप जिनके भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं तो वो भी आप ले जाइएगा, और कुछ भी दिक्कत होती है तो वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, और इन सभी की तीन तीन चार चार फोटोकॉपी आपको करा के ले जानी है। इसके बाद कैंपस वेन्यू की बात करें तो कैंपस आपका गवर्नमेंट कॉलेज आईटीआई कॉलेज बहादुरगढ़ हरियाणा में लग रहा है। जितने भी कैंडिडेट हरियाणा के हैं, हरियाणा के आसपास के हैं, तो वो सभी कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट डेट की बात करें तो यह 21 अक्टूबर 2021 को 11 बजे कैंपस लगेगा। आपको 11 बजे तक कैंपस में पहुंच जाना है 21 अक्टूबर 2021 को। तो वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जुड़ जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।